राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। यूपी नोएडा में आपको बहुत जल्द मिलेगा सनसनीखेज का खुलासा। अभी आप देखेंगे सनसनीखेज का कुछ अंश जो मूवर्स एंड पैकर्स के द्वारा किया जाता है। आपको यह पता चलेगा कि कितने ही जगह ये लोग ऑफिस खोल के बंद कर चुके होंगे, लेकिन पुलिस नदारद। पुलिस को कंप्लेंट की जाती है, लेकिन पुलिस के साथ क्या तालमेल है ये कुछ समय के बाद पता चलेगा और इसका राज खोलेगा राजनामा। और अभी आपको कुछ अंश दिखाए जा रहे हैं जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा यूपी गवर्नमेंट में क्या चल रहा है। हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी को अभी तक इसकी जानकारी तक नहीं है कि नोएडा एनसीआर में क्या चल रहा है। अगर जानकारी होती तो जैसे महाराष्ट्र से क्रिमिनल को पकड़ कर लेके आए, वैसे ही नोएडा कमिश्नर को भी आदेश देते कि इस तरह के लोग जो गरीबों के सामान को लेके इधर उधर करते हैं, उनको सही ट्रैक पे पकड़ते हुए, लोकेशन के द्वारा ट्रेस करते हुए इन लोगों को पकड़ कर सजा दे। अभी आप सुनेंगे आवाज जिसकी, जो मूवर्स एंड पैकर्स के नाम पर वसूलता है पैसा और कहता है अपने आप को कि मैं हूँ नोएडा और यूपी की सरकार, जो मैं चाहता हूँ वही करता हूँ। बड़े भाई थाने वाले क्या करेंगे, वो 4-5 हज़ार मेरे से ले लेंगे, बात वही है। वो तो है नहीं, चलो कि भाई थाने से कुछ होता है सोल्यूशन। मैं आपको हर टाइम आपको जानकारी दी है, वो ये 8 हज़ार रुपये मैंने आपसे ले रखा है। अब 8 के मैं आपको डबल दे सकता हूँ, 8 के 16 दे सकता हूँ, और तो मैं क्या करूँ बताओ। और आपका माल नोएडा में बताओ कहाँ पे देना है, माल दे दूँगा मैं कल सुबह सुबह, ठीक है ना। बड़े भाई मैसेज मत कीजिए, 3-4 दिन में थोड़ी दिक्कत थी, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, एक लड़के के चोट भी काफ़ी आ गई। और भाई साहब आपका माल मैं निकाल रहा हूँ कन्फर्म, कैसे भी कैसे करके, ठीक है ना, कैसे भी कैसे करके मैं निकालूंगा आपका माल। अरे भाई ये झूठी धमके मत दे, तुझे जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, ठीक है। और तू कुछ बाल बांका भी नहीं कर सकता हमारा, क्या कर लेगा तू, तेरी क्या औकात है, हट। पुलिस को जानकारी होते हुए भी उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं होती। पुलिस को बोला जाता है न्यूज चैनल के रिपोर्टर के माध्यम से, लेकिन पुलिस को कोई मतलब नहीं। आप देखेंगे कि नोएडा की थाने के पुलिस अफसर क्या कहते हैं, इनकी भी आवाज आप सुनेंगे। इससे साफ पता चलता है कि मनीष एंड मूवर्स एंड पैकर्स के साथ क्या चल रहा था। जब पुलिस से पूछा जाता है ये सवाल तो उनका एक ही जवाब होता है कि वो अपना जो ऑफिस था वहां से ताला बंद करके चले गए। हेलो जी, ब्रिजलाल जी, गुड मॉर्निंग, ब्रिजपाल सिंह जी बोल रहे हैं ना? जी बोल रहा हूँ। ब्रिजपाल सिंह जी आपका वो, मैं प्रधान संपादक बोल रहा हूँ, वो कोई केस था ना सामान वाला, वो इतना इडियट है कि अभी मैं चला गया है, सामान खाली कर दिया, भाग गया है, हमारे यहाँ नहीं रहेगा। हाँ तो वही मैं आपको बोलने चाह रहा था कि मैं न्यूज में निकालने जा रहा हूँ, ठीक है, कि वो जहाँ जहाँ उसका ये एड्रेस था, जहाँ का था, मेरे पास फोटो आ गया, मैं भेज देता हूँ। और साफ का साफ वो बोलता है कि मैं दो बोल दो थाने वाला को भी मैं गोली मारूंगा। इस तरह का बात कोई करता है? यानी कोई सिचुएशन कोई हैंडल नहीं है वहाँ, ऐसा यूपी गवर्नमेंट अब हो रहा है हमारा? इतना योगी जी का नाम है, हैं? साफ लफ्ज में बोल रहा है कि जाओ थाने वाले को बोल दो, हम आएगा तो हम उसको गोली मार देंगे। इस तरह का लैंग्वेज में कोई बोलता है? ढूंढवा नहीं रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, कल तक हम देखेंगे, परसों हम न्यूज में दे रहे हैं। भाई साहब मुझे बहुत खराब लगा है। ब्रिजपाल सिंह जी गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग ब्रिजपाल सिंह जी। गुड मॉर्निंग जी, मैं प्रधान संपादक न्यूज़पेपर राजनामा जी, बताइए। मेरा दूसरा वाला नंबर से आपका फोन नहीं लग रहा है, मुझे लगा कि शायद कहीं ब्लॉक व्लॉक कर दिए आप, क्या किए पता नहीं। नहीं हम लेंगे ये है आपको, हाँ
ये भी तो उठा है, ये तो उठा ही है। उसका मैंने व्हाट्सएप में आपको भेजा है, उसका सारा पैन कार्ड से लेके सब कुछ, मोबाइल उसका ट्रेसिंग आप कर सकते हो, है ना। मैं न्यूज़ में बना रहा हूँ, लोकेशन ट्रेस हो सकता है, थोड़ा आप एक बार रिकॉर्डिंग पढ़ लीजिए और सुन लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि 500 जगह इसका केस है नोएडा में, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ये तो बहुत बड़ा केस है भाई, बहुत बड़ा केस है मेरे ख्याल से। आम जनता, आम नागरिक कितना परेशान होगा, आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? समझ रहा हूं। मतलब अगर आपके घर परिवार के कोई भी किसी का हुआ, काट दिया। कोई फोन नहीं उठता, उसके बाद सब लोग मिले हुए हैं। चलो, आपने फोन काटा ब्रिजपाल जी? फोन कट गया। कट गया? टावर नहीं। अच्छा, टावर नहीं है तो आप ही बताएं क्या करना चाहिए इसमें। काम चल रहा है इसमें। क्या काम चल रहा है? अब आप तो नहीं बता सकते काम क्या चल रहा है। अरे भाई, मीडिया वाले को आप लोग नहीं बताएंगे, लोकेशन ट्रेस नहीं कर सक रहे आप लोग। यहाँ तक कि जिस गाड़ी से ये लोग सामान ढोते थे उस गाड़ी की कंप्लेन लेटर एक थाने की रिपोर्ट हमारे पास आई है तो हमारे होश उड़ गए। जब देखा कि छठा महीना 2023 को एक महिला को उसी गाड़ी से मारकर मर्डर किया गया और केस भी होता है पर उस गाड़ी को पुलिस नहीं पकड़ती है, पुलिस उस गाड़ी को नोएडा में ही छोड़ देती है और सामान ढोने के लिए मनीष मूवर्स एंड पैकर्स उसी गाड़ी का उपयोग करते हैं। और क्या साठगांठ करते हैं पुलिस के साथ, ये मनीष मूवर्स एंड पैकर्स अपने मुंह से बता चुका है कि कितने लोग अपने सामान को खो चुके होंगे। ये अपने आप को जाट बताता है और बोलता है कि ये सामान मेरा हुआ, तुम कैसे ले जाओगे। ऐसे ऐसे स्कैंडल नोएडा NCR में चल रहा है जिसकी पुलिस को खबर है। पुलिस की रिपोर्ट भी बहुत सारे थाने में मिलेगी लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उच्च अधिकारी को भी ये पता नहीं है कि उनकी नाक के नीचे से क्या हो रहा है, किस तरह का स्कैंडल वहां चल रहा है। पेकर्स के नाम पर लूट हो रही है। ये कुछ फोटोज हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं लेकिन लोकेशन के बाद पूरा का पूरा फोटो आपके सामने आ जाएगा कि ये लोग कौन है जो लोगों का पैसा ट्रांसफर करा कर डिपॉजिट करवाते हैं और सामान तक नहीं भेजते और सामान को बेच देते हैं और बेच कर खा जाते हैं। जब उनको पूछा जाता है कि सामान कहाँ है तो उनको धमकी मिलती है कि तुम्हारा सामान नहीं है, जो करना है कर लो। अरे भाई, ये झूठी धमकी मत दे, तुझे जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, ठीक है। और तू कुछ बाल बांका भी नहीं कर सकता हमारा, क्या कर लेगा तू, तेरी क्या औकात है, हट। ये है नोएडा का NCR। जो भी लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, यूपी पुलिस को कानों तक जू तक नहीं रेंग रही। आखिरकार ये राज कैसे पता चला? ये राज पता करने के लिए राजनामा की टीम ने अपने ही सामान को मनीष एंड मूवर्स पैकर्स के साथ भेजने को एक रणनीति बनाई और उसके बाद पता चला मनीष एंड रमेश नाम का एक बंदा जो कि अभी तक करीब 500 घरों का सामान इधर से उधर बेच कर खा गया, अपने मुंह से बोलता है कि मैंने 200 लोगों का सामान लूटा है, तुम क्या कर लोगे। यानी कि ये यूपी गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं दे रहा है, सीधा योगी आदित्यनाथ CM को चैलेंज, जो कि कहता है कि मैं ही सरकार हूँ, मैं ही चलाता हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही करता हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस को मैं पैसे देख के खरीदता हूँ, तुम क्या कर लोगे। क्या जी जक्कड़ जी, मनीष सर चौधरी, पैकर्स एंड मूवर्स। हाँ जी बोलो। मतलब 500 आदमी का माल ऐसे ही लूटोगे तुम लोग?
बिल्कुल ऐसे लौटेंगे जी। पैसा दे के पुलिस को? क्या जी? पैसा पुलिस को दे के लूटते रहोगे नोएडा में? हाँ जी लूटते रहेंगे जी। अच्छा ये तुम लोग ठीका कौन दिया है तुम लोग को ये सब करने का? क्या जी? ऐसा तुम लोग को ठीका कौन दिया है करने का? ठेका हमारा ही है, हम सरकार है जी। तुम लोग सरकार हो? हाँ जी बिल्कुल। योगी जी को पहचानते हो? किसको? योगी जी को, सीएम योगी जी, यूपी के जो है वो डंडा कर देते हैं, पीछे झंडा लगा देते हैं। पहले आप ही डरवा लो डंडा तो। तुम्हारा डंडा देखे थे ना कि कहाँ कहाँ से महाराष्ट्र से लाया गया, कहाँ कहाँ से लाया गया? पहले डंडा आप चढ़वा लो। तुम्हारा तो जो हाल करवाऊंगा ना अभी, तुम मीडिया के साथ जो तुम अभी खिलवाड़ किए हो, तुमको एहसास होना चाहिए। मीडिया का सामान लोगे? मीडिया का सामान के कारण तुमको क्या लगा आम जनता को भी लूटते हो? तुम्हारा पचासों केस पता चल रहा है, समझ गया ना? हाँ तो तुम्हारा जुबान वाले जो है ना, जो जो पुलिस को तुम खिलाओगे ना, वो भी सामने तुम बकना, समझ गए? बहुत जल्दी बकोगे तुम। कहाँ भागोगे? कहाँ से लोग ये है सपोर्ट है, पुलिस का सपोर्ट है? बिल्कुल है। किसका सपोर्ट है तुम्हारा? पुलिस का? ओपनली तुम जो बात कर रहे हो, किसका सपोर्ट है? कौन से पुलिस का सपोर्ट है? आखिर ये कब तक चलेगा? वैसे ही मनीष एंड मूवर्स एंड पैकर्स में एक लड़का काम करता था, उसका भी पैसा ये लोग खा गए। जैसा कि उसने कहा, उसने भी बहुत सारे इनके पूरे काले चिट्टे कारनामे के बारे में बताया, और उसने ये भी बताया कि ये लोग करीब करीब 60 से 70 लोगों का सामान खा चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने केस भी किया, बट उस केस का कोई निराधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये लड़का ये भी बताया कि इसका फेसबुक चलता है, और ये फेसबुक में अपने ओपन पिस्टल को गाड़ी में लहराता हुआ चलता रहता है। पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये चीज भी फेसबुक का लिंक दिया है और आधार कार्ड और पैन कार्ड भी भेजा है, जो कि ये आपके सामने दिखाया जा रहा है। कहाँ पे है उसका एड्रेस? कहाँ पे एड्रेस? कहाँ पे है? आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करो इसी नंबर पर, मैं आपको एड्रेस और उन दोनों की फोटो भेज रहा हूँ भाई भाई को। नहीं कहाँ पे एड्रेस बोले, कहाँ पे है? D461 सेक्टर 3 ग्रेटर नोएडा। अच्छा सेक्टर 3 में रहता है ग्रेटर नोएडा में? हाँ जी। और वो जो ऑफिस दिया वो गलत एड्रेस दिया है? गलत है, सारा फ्रॉड है, फ्रॉड एकदम। अरे लोग फ्रॉड ही करता है क्या? हाँ जी फ्रॉड ही करता है सबके साथ है। आप उसका रिव्यूज पढ़ो। अच्छा आप न्यूज गूगल मैप में उसके रिव्यूज पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। वो अच्छे रिव्यूज दिलवा रखे ना, वो भी पैसे देकर दिलवा रखे गए। अच्छा ये जो राहुल गया था और बजरंग गया था वो कौन है? बजरंग है, बजरंग यही तो है उसका मेन मालिक। बजरंग है और राहुल दूसरे को, राहुल गया था क्या? चौथा सा लड़का, छोटा सा। हाँ राहुल दाढ़ी हल्का सा फ्रेंच कट दाढ़ी था। हाँ वही है, ये दोनों ही थे बजरंग और ये राहुल बनकर जो गया था ना, वही है मेन, दोनों वही थे मनीष और वो। तो तुम वहाँ काम करते थे क्या? हाँ मैं वहाँ पर काम करता था। तो ये लोग क्या करते, सामान लेके क्या करते, बेच देते हैं? कुछ मान लो गायब कर देते, कुछ सामान बाद में कि मान लो कुछ दिन बाद पुलिस मैटर होता है तब पहुंचाते हैं माल। आपको पीछे नहीं हटना है कुछ भी हो जाए। नहीं पीछे नहीं, FIR जो पुलिस को जो गाली अभी बोला कि गोली मार देंगे वो कौन था? वो रमेश नाम है ना उसका? लाल ड्रेस वाला ना। मनीष मूवर्स एंड पैकर्स में काम करने वाले एक लड़के ने हमारे न्यूज चैनल पर फोन किया और सारी जानकारी दी। उसका कहना था कि मैं काम करता था, मुझसे वो लोग काम करवाते थे। मुझे नहीं मालूम था कि ये सबका सामान उठाते थे और बेचकर खा जाते हैं, और पैसे भी गूगल पे ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से मंगवा लेते हैं। जब मेरा सवाल जवाब हुआ तो उसने ये भी कहा कि ये लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, उनका एड्रेस, उनका फेसबुक, उनका इंस्टाग्राम सभी चीज चलती है, और ये लोग धड़ल्ले से NCR में मूवर्स एंड पैकर्स के नाम पर चोरी कर रहे हैं। पुलिस को मालूम होते हुए भी पुलिस को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुलिस भी उसके साथ साठ घाट कर रही है। उसका ये कहना है कि भैया आपका ये सामान शायद ये लोग दे देंगे, ऐसे तो 60 से 70 लोगों का सामान बेच कर खा चुके हैं। वैसे तो 50 थाने में बहुत सारे केस होंगे, जो कि केस कचरे के डब्बे में चले गए हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और यहाँ तक भी पता चला है कि जो लोग इनके बुलाने से वहाँ पहुँच जाते हैं
उनके साथ ये लोग मारपीट करके उनको वहां से भगा देते हैं। दोबारा वो लोग उस पछड़े में नहीं पड़ने के कारण कोई मतलब नहीं रखते हैं और पुलिस को बोलने के बाद भी पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। मनीष मूवर्स एंड पेकर्स के नाम से धड़ल्ले से चल रहे कालाबाजारी का अब राजनामा खोलेगा राज। इसके साथ कौन कौन लोग मिले हुए हैं वो भी बहुत जल्दी पता चलेगा। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, आपके सामने ऐसे ही बहुत सारे न्यूज आएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ जी से कि इस संगीन मामले में वो जरूर कार्रवाई करेंगे। उनको ये जानकारी नहीं है कि नोएडा NCR में इस तरह की घटना हो रही है। ये देखने के बाद मुझे लगता है कि उच्च अधिकारी को भी ये पता चलने के बाद सभी थाने से सामान गायब होने की रिपोर्ट जरूर मंगवाएंगे और कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।